एवरीवन, विशिंग यू वेरी हैप्पी संडे एंड आई एम श्योर आप सबके सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टास्क नॉन कम्प्लीशन ड्यू टू। अब ये टास्क नॉन कम्प्लीशन ड्यू टू मतलब ये हम समझते हैं आगे कि क्या है। सो इसको समझने के लिए एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बार एक मकड़ी स्पाइडर होता है, वो सोचता है कि मैं एक जगह ऐसी जगह चुनूँ जहाँ पे मेरे को काफ़ी कीड़े मकोड़े मिले और मेरा जाला इस तरह जगह पे बनो जहाँ पे मेरे को काफ़ी कीड़े मकोड़े मिलेंगे और मेरी लाइफ अच्छे से चलनी शुरू होगी। एंड उसी सोच में वो आगे जाके घर के अंदर में एक अच्छी जगह पे जाला बुनना शुरू करता है। जैसे ही आधा जाला बुना जाता है इतने में वहाँ पे बिल्ली आती है और बिल्ली आकर उसको बोलती है कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो। उसने बोला क्यों क्या हुआ। बोला ये घर तो एकदम साफ सुथरा है, यहाँ पे तुमको रख के कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारा जाला तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ मत बनाओ जाला। ये सुन के वो जाला बनाना छोड़ के दूसरी जगह बनाने चला जाता है। दूसरी जगह वो चुनता है एक घर में एक छत में खिड़की में, खिड़की के पास वो जाला बनाना शुरू करता है और जब उसका आधा जाला बन जाता है तो इतने में एक चिड़िया उड़ते हुए आती है और कहती है अरे तुमने ये कहाँ जाला बनाया, ये तो एकदम खुली जगह है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा आएगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। एंड वो सोचते हुए मकड़ी वहाँ पे भी आधा बना जाला छोड़ के चली जाती है। फिर वो तीसरी जगह एक चुनती है और वहाँ पे जाके एक अलमीरा में वो जाके बनाना शुरू करती है। तो अलमीरा में भी जब आधा काम हो चुका होता है तो इतने में कॉकरोच आता है और उसको बोलता है कि अरे भाई तुम क्या कर रही हो। वो बोले क्या हुआ। बोले तुम कहाँ जाला बना रही हो, बिकॉज ये पुरानी अलमीरा है, ये एक दिन बेच दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी तो तुम्हारा जाला ख़त्म हो जाएगा, सो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये करते करते पूरा शाम हो जाती है, वो काम छोड़ देती है और आके थक हार के एक जगह बैठ जाती है। वहाँ बैठती है तो उसको चींटी मिलती है, वो चींटी उसको पूछती है क्या हुआ। तो जब वो अपनी स्टोरी उसको बताती है तो चींटी उसको बोलती है कि क्या होता है मेनी ए टाइम्स इन आवर लाइफ व्हाट वी डू, यू नो हम जब भी कोई काम शुरू करते हो, काम शुरू करके आगे निकलते हैं तो कई लोग हमारे बीचों में आ जाते हैं कि एक हो नहीं सकता, तुम गलत कदम उठा रहे हो, ऐसा ना हो फ्यूचर में तुमको ये प्रॉब्लम हो जाए, फ्यूचर में तुमको ये प्रॉब्लम हो जाए या यहाँ से ये दिक्कत तुमको आएगी। तो क्या होता है, हमारा काम जो पूरा होने वाला भी होता है हम उन बातों को सुन के उन लोगों के विचारों में आके हम वो काम रोक देते हैं और उनको नकारात्मक सोच कहा जाता है, नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, नेगेटिव लोग कहा जाता है जो हमारे बीच में आके आपको रोक देते हैं। लाइफ में एनीथिंग इफ़ यू हैव टू डू प्लीज़ यू डू एवरीथिंग, यू नो सारी कैलकुलेशन करो, पूरा रोड मैप बनाओ एंड जब काम शुरू कर दो तो फिर कोई बीच में आके आपको अगर नेगेटिव सोच देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है उसके ऊपर मत जाइए। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ।